अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग किसी किस्म की रेसिपी पे या डेली व्लॉग पे बेस्ड नहीं है। हाँ, डेली व्लॉग आप इसको कह ज़रूर सकते हैं, बट इट्स डेली स्किन केयर रूटीन या वीकली स्किन केयर रूटीन आप कह सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज का व्लॉग स्पेशली बच्चों की स्किन केयर के लिए है, जो कि 4 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों, जिनके फेस पे आप किसी किस्म के कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से आप उनकी स्किन की जो केयर है ना, वो आप कर सकें, वो भी घर पे रह के। तो पहले हम ज़रा अपना फेस पैक जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच बेसन, उसके अंदर मैंने ली है 1/2 टीस्पून हल्दी। अगर हल्दी आपके पास ऑर्गेनिक है तो इट्स बेस्ट, वो आप यूज़ करें। और उसके अलावा आपने लेनी है 2 चम्मच इसके अंदर शहद। ये तमाम चीज़ें आपको इजीली घर पे अवेलेबल होंगी, कोई चीज़ लेने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आपने ले लेना है 2 चम्मच दूध। दूध भी अगर रॉ मिल्क हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि रॉ मिल्क जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं पर स्किन वाइटनिंग, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 चम्मच दूध लेना है, लेकिन बाद में अगर आपको महसूस हो कि पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसको और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर आप 2 चम्मच ही लेंगे। उसके बाद 2 चम्मच लेमन जूस आपने लेना है। हाँ, लेमन जूस के बारे में मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, कुछ बच्चों की स्किन बहुत मतलब सेंसिटिव होती है और ये मे बी से आपको थोड़ी सी चुभन महसूस हो, बट साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, या मे बी अगर मतलब स्किन के ऊपर किसी किस्म के कोई स्कार्स हैं या कोई ज़ख्म वगैरह, तो उसके ऊपर ये आपको लग सकता है स्किन पे, तो फील हो सकता है कि आपको इसकी वो फील हो रही है सेंसेशन, तो आप चाहें तो आप यूज़ करें। अगर स्किन पे किसी किस्म के कोई ज़ख्म वगैरह नहीं है तो आप इसको यूज़ करें, अगर हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ओके। आपने इसका पेस्ट बना लेना है अच्छा से, और जो पेस्ट है वो ना ज़्यादा रनी हो कि बस मतलब गिरता रहे नीचे, इतना हो कि वो फेस के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए, ठीक, और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो कि लगाने में आपको मसला हो। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ आपने एक पेस्ट बना लेना है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि जो मास्क है या ये जो फेस पैक है ये है किस काम के लिए। जनाब, अभी गर्मियाँ होके गुजरी हैं और गर्मियों ने जो बच्चों की मत मारी है ना, वो सोच है आपकी, ठीक है, मतलब बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सन टैन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस तरह एक जली हुई स्किन होती है ना, इस तरह की बच्चों की स्किन हो गई है। इसके अलावा 2 टोन हो गई है, कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेड हो गए हैं। तो ये जो मास्क है इसका रेगुलरली जो यूज़ है वो आपके बच्चों की स्किन को इवन करेगा, उसकी टोन को इवन करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा, लाइटन अप करेगा, और जिस किस्म के भी निशान्स वगैरह, निशान्स देखें मेरी इंग्लिश और उर्दू मिक्स हो गई है, मतलब किसी किस्म के अगर दाग हैं जो लेमन है ना, वो उन तमाम दागों को ख़त्म करेगा, ठीक है। ये पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई ये समझे कि ये जी बच्चों की वाइटनिंग के लिए, नो, इट्स नॉट फॉर वाइटनिंग। माशाल्लाह बच्चे जैसे हैं, बस अल्लाह ताला इनको सही सलामत रखें। बच्चों की स्किन टोन को सिर्फ ये फेयर नहीं करता है, बट ये उसकी स्किन टोन को इवन करेगा, इसके अलावा जो नीट करेगा। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ से पहले अभी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये मास्क अप्लाई करने से पहले आपने जो अपने बच्चों का जिस हिस्से आप जिस हिस्से पर आपने इसको लगाना है ना, ये आप पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, सिर्फ फेस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ थी, हाफ स्लीव्स बच्चे पहनते थे, तो उसकी वजह से मैं बाजुओं पे भी लगाऊंगी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा बनाया। अगर आपने सिर्फ फेस पे लगाना है तो आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप, मैंने इनके बाजुओं पे लगाना है, मुंह पे लगाना है, आपने अच्छी तरह से फेस को वॉश करवा लेना है उन तमाम हिस्सों पर जहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है, और बच्चों को पुरानी सी शर्ट्स पहना दें, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है, जो मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा स्टेन छोड़ती है, तो इस वजह से मैंने एहतियातन पहनाया। अगर आपकी हल्दी ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हल्दी का ही होता है, अगर आपने बच्चों को नहलाना है तो आप आराम सुकून से इसको यूज़ करें, बेहतर है कि रात के टाइम इसको यूज़ करें ताकि सारी रात जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं ना वो आपके बच्चे के फेस पर रहें। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तलहा के फेस पर सबसे पहले, मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, साथ में हाइका को मैंने बोला कि आप वीडियो बनाओ और मैं मतलब दिखाती हूँ कि इसको किस तरह लगाना है। आप देख सकते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कितना स्मूथली ये फेस पे अप्लाई हो रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा रनी होगा तो ये गिरता रहेगा और इसका फ़ायदा नहीं होगा, मतलब डिस्टर्ब करता रहेगा ये। इसी तरह आपने तमाम फेस पे, आँखों को छोड़ के, नाक पे और हर तरह हर जगह पर आपने इसको लगा लेना है। अब मैं तलहा के बाजू पर लगा रही हूँ,
पाँव पे, क्योंकि सॉक्स वगैरह होती हैं, पाँव की हालत इतनी ख़राब, वो भी खैर ख़राब थी क्योंकि गर्मियों में सैंडल्स वगैरह पहनते रहे, लेकिन यह कि अब काफ़ी बेहतर हो गई है सॉक्स वगैरह पहनने की वजह से। तो जो बाजू हैं और जो फेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर सन टैन हो गया था, तो मैंने कहा चले मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अगर बड़ों को भी इस किस्म के कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना, वो आपको एक दफ़ा यूज़ करने से इफ़ेक्ट नहीं देती। हाँ, आपको महसूस होता है फ़र्क, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करें ना, तो उसी का इफ़ेक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैंने तला और हाइका दोनों को लगा दिया, ठीक है। ये दोनों अब लगा के आपने 5 मिनट और 10 मिनट दो टाइम आप रख सकते हैं, ठीक। 5 मिनट भी रख सकते हैं, 10 मिनट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बड़ों की तरह 15 से 20 मिनट इसको नहीं रखना। मैंने तकरीबन 10 मिनट दोनों को दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना वो ख़राब हुई भी थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि जब आपने इसको रिमूव करना है तो कैसे करना है, कि आपने थोड़ा सा पानी लेना है और आपने अपने हाथों पर इसका मसाज करना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये नहीं है कि फ़ौरन से इसको वॉश कर देना है, आपने इसका चाहे तो पहले भी मसाज कर सकते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप 1 से 2 मिनट का मसाज करेंगे जहाँ जहाँ आपने इसको अप्लाई किया है, अगर नहीं तो फिर जब आप इसको वॉश करने लगेंगे तब आपने हल्के हाथ के साथ, तो इस तरह करके, क्योंकि मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है तो आपको लग रहा होगा, लेकिन यह है कि आपने इस तरह करके जहाँ जहाँ आपने इसको लगाया आपने इसका मसाज कर लेना है, उसके बाद आपने इसको वॉश करना है, ठीक है। फेस पे भी सेम यही प्रोसेस होना चाहिए, और जहाँ पे आपने बाकी हाथों बाजू पाँव पे लगाया हुआ वहाँ पे भी इसका सेम यही होना चाहिए। तो इस तरह करके आपने इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर शहद भी है तो वो थोड़ी सी आपको जमी जमी महसूस होगी, तो इस तरह ये है कि वो भी ज़रा रिमूव हो जाएगी, रिमूव करने में भी आसान होगा, और उसके अलावा जो बॉडी को एक मसाज चाहिए ना वो भी आपको मिल जाएगा। तो जनाब, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हाइका के फाइनल रिजल्ट्स। ये देखें जनाब, अब हाइका फेस वॉश करके आई, यहाँ पे भी मैंने ना ऑन की हुई थी टॉर्च इस मोबाइल की, क्योंकि रोशनी बहुत कम है, रात हो गई है, रात के टाइम मैंने ये इनको दिया था स्किन केयर, तो उसकी वजह से। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्किन केयर है ना वो लेने लगी है हाइका, क्योंकि बच्चे जो है ना जब तक छोटे होते हैं ना तब तक माएँ सख्ती कर लेती हैं, केयर कर लेती हैं स्किन की, खुद फेस वॉश करवाती हैं, क्रीम लोशन वगैरह लगाते हैं, जैसे जैसे बच्चों के अपने हाथ में आता है ना तो बच्चे उस तरह की स्किन केयर नहीं करते हैं जिस तरह की करनी चाहिए। ज़्यादा सारा दिन स्कूल में डस्ट में मिट्टी में खेलते हैं, तो उनको एक अच्छी प्रॉपर स्किन केयर चाहिए। मैंने कुछ अर्सा तक स्किप करके रखा इस चीज़ को, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अब खुद इस चीज़ पर फोकस करूँगी। और यहाँ पे मैंने टॉर्च ऑन ऑफ़ की है, और आप देख सकते हैं कि अभी भी हाइका की जो स्किन है ना माशाल्लाह से कितनी ईवन लग रही है, ताकि सिर्फ एक दफ़ा इसको यूज़ किया, तो मैं तो इंशाल्लाह अब हर वीक इसको यूज़ करूँगी, और शायद आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन यह है कि बहुत आला किस्म के रिजल्ट्स आए थे, और जब ये सुबह सो के उठे थे ना तो और ज़्यादा इनकी स्किन जो है ना वो शाइन एंड ग्लो कर रही थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जहाँ आपने इसको लगाया था ना अच्छे से बॉडी लोशन के साथ, आपने उस स्किन के उस हिस्से को मॉइस्चराइज कर लेना है। उसके अलावा ये मैंने फेस के लिए इसको क्रीम दी है सेंसिटिव, क्योंकि मेरी जो है स्किन वो कॉम्बिनेशन है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हाइका की स्किन मुझे लग रही है कि ड्राई है, क्योंकि इसकी स्किन के ऊपर अब ना जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है बारीक बारीक से दाने निकलना शुरू हो गए हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इसकी स्किन जो है ना वो ड्राई है। तो अब मैंने अब इसकी स्किन केयर में ये शामिल किया है कि रोज़ाना अब ये इंशाल्लाह अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़, मैंने कहा स्पेशली रात को अच्छी तरह से फेस वॉश करने के बाद स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करके तो फिर ये सोएगी। तो इंशाल्लाह आई होप सो मैं आपको कुछ दिन बाद इसके फाइनल रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी कि जब मैं 1-2 दफ़ा ये पैक यूज़ करूँगी तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पर फेस पर आपने हल्के हाथ के साथ मसाज करना है, और बच्चे को कहना है कि वो करे, क्योंकि बच्चों को खुद भी इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और साथ में जनाब ये लिप बाम लगा रही हैं हाइका, क्योंकि फेस भी बहुत वो लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं गर्मी के सर्दी की वजह से, मौसम चेंज हो रहा है। तो जनाब ये है एक प्रॉपर स्किन केयर जो रात को आपने ये फेस पैक यूज़ करने के बाद बच्चों को देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे मौजूद हैं, मैंने फिर क्या है कि आपको शायद फील नहीं हो रहा लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही आला किस्म के रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी लगा दी हैं, आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर में तलहा का कलर कैसा है और आफ्टर में माशाल्लाह से स्किन कितनी नीट लग रही है। तो इसी तरह अगर आप इसको यूज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से हर वीकेंड पे हफ्ते में 2 दफ़ा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।